आपसे यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए हमें ज़रूरत है 500 ग्राम चावल, 500 ग्राम गोश्त, 4 अदद प्याज, 2 को हम यखनी में डालेंगे और 2 प्याज को बारीक काट के लाल करेंगे, लहसुन अदरक 2 टीस्पून ज़ीरा, 2 टीस्पून सौंफ, 2 टीस्पून साबुत धनिया, तेज़पात, बड़ी इलायची, जायफल, जावित्री, हरी मिर्च, 1 प्याली दही। सबसे पहले गोश्त उबालने, मैंने चूल्हा जला के गोश्त उबालने के लिए रख दिया है। मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे, उसके ऊपर से ये आया है, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। प्याज हम साबुत डालेंगे, लहसुन साबुत, इन सब चीज़ों को डाल के हम इन सब चीज़ों को डाल के गोश्त में शामिल करके और हम ढक्कन लगा के कवर करके इसको गोश्त गलने तक बॉईल करेंगे, तब तक इसके अंदर मिक्स करके यखनी बनाएंगे। अब हम चेक करते हैं हमारा गोश्त गला या नहीं गला है, चेक करते हैं। अब हम यखनी इसमें डाल के निकाल लेंगे, यानी कि इसका रस से जूस से निकाल लेंगे। अब हम इन चीज़ों को दबा दबा के लहसुन धनिया और ये सब का जूस निकाल लेंगे। यखनी निकालने के बाद हमने 2 अदद प्याज को बारीक काट लिया है, अब हम इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे, गोल्डन करेंगे सुनहरा। प्याज गोल्डन हो गई है हमारी, अब हम इसको आधी प्याज को बाहर निकालेंगे। अच्छा कलर आ गया है प्याज का, प्याज गोल्डन हो गई है। आधी प्याज हमने बाहर निकाल लिया और आधी प्याज को हमने इसके अंदर डाल के
ये दही और हरी मिर्चें। दही हरी मिर्चों में अब हम ये गोश्त जो उसकी यखनी निकाल लिया जो गोश्त है इसको हम भूनेंगे हल्दी यानी कि दही और हरी मिर्चों में। फिर इसके बाद जब भून जाएगा तो फिर हम यखनी डाल के चावल जो मैंने भिगो के रखे हुए फिर उसमें मैं शामिल कर दूँगी। जो यखनी बनाते हुए हमने जो मसाला डाला था इसके अंदर गर्म मसाला उसको हम दोबारा भी इसमें डाल सकते हैं भून सकते हैं इसका भी यानी कि इसमें फिर भी असर आ जाएगा। ये इलायचियाँ बस यही डालेंगे गर्म मसाला डालेंगे और चीज़ें भी डालेंगे प्याज वगैरह भी कुछ नहीं डालेंगे सब यही डालेंगे और बाकी चीज़ों पर जूस निकल आया है प्याज लहसुन अदरक इन सब का जूस निकल आया है और धनिया और जो धनिया और सौंफ तक गो हम फेंक देंगे बस यही चीज़ें दोबारा हमने इसमें शामिल ताकि और अच्छा लगे और थोड़ा ज़ीरा और शामिल कर देखिए अच्छी तरह भुन गया है घी तेल रोगन करी सब उसके ऊपर आ गया है इसका ऑयल जो हमने डाला था वो सब आ गया है अच्छी तरह बाहर निकल आया है। अब हम इसमें जो यखनी निकाली थी जो हमने गोश्त से यखनी बनाई थी अब वो इसमें शामिल करते हैं। मैंने यखनी बनाते वक्त नमक डाला था अभी नहीं डाला अभी चावल डाल के चेक करूँगी मैं नमक कितना फिर उस हिसाब से डाल लेंगे कहीं ज़्यादा टेस्ट ना हो जाए। अब इसको उबाल आएगा फिर हम इसमें चावल शामिल करते हैं चावल डाल देंगे इसमें अच्छी तरह उबाल हो इसमें अच्छी तरह बॉयल हो उबाल आ गया है आने में अब हम चावल डालेंगे। जो काम हाथ से छोड़ता है उतना स्पून से चमचों से कर सकता है हाथ का और हाथ इस्तेमाल करने से खाने में टेस्ट भी आता है। केवड़ा डाल रहे हैं इसके अंदर केवड़ा डाल रहे हैं पहले ही केवड़ा डाल देंगे इसी में इसमें पकाएंगे। अब देखिए चावल है ना इसमें खाने चारों तरफ से यानी कि उबाल होना चाहिए चावल उसी वक्त अच्छे पकते हैं जब चारों तरफ से उबाल आना चाहिए फिर हम इसको ढक देंगे और स्लो हीट कर देंगे। देखिए यहाँ से ऐसे उबाल आ रहा है ना इसी तरह से चावलों में ये बिल्कुल बबल्स बनने चाहिए बिल्कुल आ रहे हैं ये सब चारों तरफ से इससे चावल अच्छे बनते हैं। अब मैं इस पर हाँ नमक चखती हूँ देखिए नमक अब मैं चखूँगी कहीं ज़्यादा हाँ थोड़ा कम इसे यखनी में पहले नमक डाला था इसीलिए हमने इस वक्त डाला अब डाल रहे हैं चखने के बाद यानी कि अब नमक का हमें मालूम है कितना डालना है ज़्यादा ना हो जाए इसलिए हाँ अच्छी तरह चावलों में उबाल आ गया सब आ गया। अब मैं इसको ढक्कन से कवर कर देती हूँ और फ्लेम को स्लो कर देती हूँ। आइए हम देखते हैं इसको ओ सब अब हम प्याज डालेंगे और थोड़ी सी प्याज
के प्याज में से डाल के दम लगाने से बहुत अच्छा अच्छी खुशबू फ्लेवर आता है बिरयानी में। फिर हम इसको पुलाव में फिर हम इसको ढक देते हैं। इसको आप निकाल के हम Thank you.